मरकच्चू प्रखंड के निवासी बैजयंती देवी पति आनंद हजम तेलोड़ी पंचायत ग्राम नईटार निवासी एक पिछड़ी गरीब महिला है। बैजयंती देवी का कहना है कि उसके पास कोई भी घर बार नहीं है, बहुत मुश्किल से ही वो अपना गुजर बसर कर रही है। 8 परिवार में रहने वाले लोग हैं। बरसात के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम सभा में कई बार गुहार भी लगा चुकी है, इसके बावजूद भी आवास नहीं मिला। लिखित देते देते थक चुकी है। अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल भी की गई, लेकिन कोई भी आवास अब तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, उनके पास शौचालय भी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव मालती चंद्र का कहना है कि इस परिवार को जल्द ही अम्बेडकर आवास मिले, ताकि ये अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर सके। मरकच्चो कोडरमा से सराजुद्दीन की रिपोर्ट। अभी हम हैं मरकच्चो प्रखंड के तेलोड़ी पंचायत ग्राम नई टाउन में, और आपको बता दें कि ये जो बैजयंती देवी हैं, इनका कहना है कि मेरा एक छोटा सा घर है, हम लोग 8 परिवार हैं और लगभग 10 सालों से हम प्रखंड और जिला और यहाँ के जो पंचायत भवन है, मुखिया जी हैं, उनसे भी मिले हैं, लेकिन आज तक इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आवास के लिए दर बदर चक्कर काट रही है। आइए हम जानते हैं उन्हीं से क्या हुआ है। आज देखिए 10 साल से इंदिरा आवास का कितना इंतजार कर रहे हैं, आज तक ले कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। और छोटा छोटा परिवार, बच्चा भी है, और 10 परिवार के जगह हम 8 परिवार लेके हम चल रहे हैं, फिर भी इंदिरा आवास नहीं मिल रहा। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी दूसरे घर का रह रहे हैं, दूसरे वाला दीवार का करके लाद करके हम रहे। लिखित में भी दिए हैं? लिखित में भी दिए, डीसी के पास भी पहुँचे। आप उपायुक्त तक पहुँचे, कोडरमा जिला तक पहुँचे, कोडरमा जिला तक, इसके बावजूद आज तक नहीं? नहीं। क्या आप बोल रहे थे कि वो यहाँ जो आपके द्वार कार्यक्रम लगा था उसमें भी आवेदन दिए? सभी दिए, मुखिया जी के पास बोले, उसके बाद जब नहीं सुनवाई करवाई की फिर गए, तो उसके बाद फिर वो वीडियो पास जाइए, तो इसको पास गए तो बोल भेज दिए वो कागज पंचायत, फिर भी मुखिया जी कुछ नहीं दिए, कुछ भी करवाई नहीं की। तो ये था कहना बैजयंती देवी का। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ एक आवेदन भी है। ये आवेदन है प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने के संबंध में, और दिया गया है उपायुक्त महोदय को, साथ ही रिसीविंग भी है इसके पास, 19/8/2023 का रिसीविंग है। साथ ही आपको और एक कागजात है इसके पास, इस कागजात में घर जो गिरा हुआ था इसका, वो घर का भी आवेदन दी थी, लेकिन इस पर भी कोई मुआवजा नहीं मिला। R9 भारत, सराजुद्दीन, मरकच्चो। ये क्या बोलते हैं, नई टाउन, नई टाउन में बैजयंती देवी जो है, इनका आवास नहीं है। ये बहुत मरतबा ही किया है, आपको भी आवेदन दिए है, तो इसका कहाँ तक प्रोसेस हुआ है? आनंद हजाम, तो इसका क्या हुआ है मुखिया जी, अभी तक के कुछ है? हाँ हाँ, डीसी मैडम को आवेदन दी थी। अच्छा, वीडियो साहब के पास है, तो इसके बाद जे एम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी सदस्य मालती चंद्रा जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, इस परिवार के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के सभी पदाधिकारी और दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस दर्द को समझने की कोशिश किया कि कोई ऐसा भी परिवार है जो आज वर्षों से बेघर होकर जी खा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा परिवार है जो, मुझे नहीं लगता कि पूरे जिला में कोई ऐसा परिवार होगा जो इतना मुश्किल ज़िंदगी जी रहा होगा। इस घर के तमाम लोग जो 8 सदस्य के हैं, और इस घर के लिए इनमें रहने वाले लोगों के लिए घर की व्यवस्था नहीं, ये लगभग 10 वर्षों से लगातार सरकारी दफ्तरों का दौर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आज तक इनके लिए कोई कहीं से व्यवस्था नहीं बन पाई।
आप देख रहे होंगे कि मात्र 3 फीट बाय 6 फीट का कमरा ये थे, और ये 3 फीट बाय 6 फीट का 2 कमरा है और 3.5 फीट बाय 6 फीट का एक कमरा जो इनको हिस्से में मिला है, इनके लिए ना रहने के लायक है ना कोई सामान रखने के लायक है। इसके बाद भी ये अपने हिस्सेदार के घर में, अधूरे घर में करकेट और प्लास्टिक डालकर अपना सामान और अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ पर जी खा रहे हैं। कई बार इन्होंने उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया, इस बार फिलहाल में 19/9/2023 को आवेदन दिया, जिसको